नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 3 मार्च। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में प्रमंडलवार होगा पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, मगर चुनाव को लेकर समय समय पर नए अपडेट सामने आते रहते हैं। इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने अब राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को प्रमंडलवार करवाने का निर्णय लिया है। प्रमंडलवार चुनाव करवाने के तहत एक ही दिन में हर एक जिले में मतदान कार्य सम्पन्न हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस बार के पंचायत चुनाव में एक जिले में किसी भी स्थिति में एक ही दिन में मतदान किया जाएगा, जिसे लेकर आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं बूथों की संख्या और जिलों के लिए उपलब्धता ईवीएम के आधार पर इसका निर्धारण किया जाएगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC हैदराबाद ने निकाली रिक्तियां। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC हैदराबाद ने कार्यकारी प्रशिक्षु के कुल मिलाकर 67 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम अनुशासन की बात करें तो विद्युत सामग्री प्रबंधन यांत्रिक खनन तय किया गया है। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक अनुशासन में BE या BTEC की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 21 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.nmdc.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। जहानाबाद के बराबर गुफा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। ये गुफाएं जहानाबाद जिले के मखदूमपुर ब्लॉक में स्थित है। मौर्य काल से संबंध रखने वाली ये गुफाएं लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व पुरानी है। बराबर गुफा के पास एक और अन्य गुफा भी स्थित है, नागार्जुनी गुफा, जो बराबर गुफा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 3 गुफाओं का समूह है और बराबर गुफाएं 4 मुख्य गुफाओं का एक समूह है। दोनों ही गुफाएं एक ही समय की है, इसीलिए इन्हें एक साथ सतघर के रूप में जाना जाता है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इस प्राचीन गुफा में हमें मौर्य वंश के काल में ये ले जाती है। बिहार में जल्द ही बनाया जाएगा देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन। बिहार में जल्द ही देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन बनाने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत तालाबों का चयन कर लिया गया है। इसके साथ ही इन तालाबों पर तैयार हो रहे देश के सबसे बड़े म्यूजिकल फाउंटेन की वाटर स्क्रीन पर बिहार का इतिहास नजर आने वाला है। इसको लेकर बिहार सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। वन एवं पर्यावरण विभाग की तरफ से इस कार्य योजना को जमीन पर उतारने के लिए विभाग ने भी लगातार अपने काम को शुरू कर दिया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री बबलू कुमार ने इस बात की जानकारी दी और कहा है कि वाटर स्क्रीन म्यूजिकल फाउंटेन लगाने का उद्देश्य बिहार में पर्यटकों को आकर्षित करना है, जिसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही बिहार में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए ही सरकार ने इको टूरिज्म की शुरुआत की है। बिहार पंचायत चुनाव में महिला कर्मचारियों की भी लगाई जाएगी ड्यूटी। बिहार पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा भले ही नहीं हुई हो, लेकिन चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से हो रही है। इसी क्रम में बिहार में प्रमंडलवार पंचायत चुनाव के लिए महिला स्टाफ को भी अब ड्यूटी पर लगाने को लेकर सोच विचार किया जा रहा है। हाल ही में जारी किए गए ताजा दिशा निर्देश के अनुसार मतदान कर्मियों के लिए विधानसभा चुनाव के डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाएगा और कर्मियों की कमी होने पर महिला कर्मचारी और पड़ोसी जिलों से कर्मियों की भरपाई की जाएगी। हालांकि इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने जानकारी साझा कर दी है। होली में बिहार लौटना हुआ मुश्किल। होली के नजदीक आते ही बिहार लौटने वालों की लंबी कतार लग जाती है। हालांकि अब घर वापसी के लिए यात्री परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि बुकिंग खुलते ही सभी ट्रेन हाउसफुल हो चुकी है। ता ही नहीं, लंबी दूरी में किसी भी ट्रेन में कोई भी आरक्षित बर्थ उपलब्ध ही नहीं है। आलम यह है कि सभी ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची लंबी हो गई है। जिन यात्रियों को किसी भी ट्रेन में आरक्षित टिकट नहीं मिला है, वो अब स्पेशल ट्रेन की आस लगाए बैठे हैं। हालांकि अब तक होली को लेकर किसी भी स्पेशल ट्रेन की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जानकारों की माने तो होली के आने तक होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन हो सकता है। बिहार के 72,000 प्राथमिक स्कूलों में 8 मार्च से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। बिहार में 72,000 प्राथमिक विद्यालयों में 8 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसको लेकर व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत 8 मार्च से लेकर 17 मार्च तक सभी जिलों में अलग अलग कला जत्था को इस बाबत जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जो गीत संगीत और नाट्य प्रदर्शन के जरिए बच्चों के दाखिले के लिए जागरूकता फैलाएंगे। इस अभियान के लिए शिक्षा विभाग ने नारा दिया है, खुशबू है हर फूल में हर बच्चा स्कूल में। इसी नारे को लेकर प्रचार में उपयोग किया जाएगा। TET अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। TET परीक्षार्थियों को लेकर बीते दिन विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी TET प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। उन्होंने इस बाबत बताया है कि बीते 29 अगस्त 2020 को NCTE की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इसका फायदा केवल वैसे ही परीक्षार्थियों को मिलेगा जिन्होंने 29 अक्टूबर 2020 के बाद होने वाले TET परीक्षाएं दी थी। इससे पहले की परीक्षाओं में जो भी अभ्यर्थी पास हुए हैं उनकी वैधता 7 साल की ही रहेगी, जिसके बाद पहले पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है।
बिहार के कई वरिष्ठ नेताओं ने लिया वैक्सीन का डोज। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने जन्मदिन के मौके पर वैक्सीन लगवाया था, वहीं बीते दिन भाजपा के कई नेताओं ने वैक्सीन का डोज दिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी और भाजपा विधायक नंद किशोर यादव ने एम्स और IGIMS में टीकाकरण कराया, जिसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री और पटना साहिब सीट से भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना एम्स में कोरोना की वैक्सीन ली है। वैक्सीनेशन के बाद रविशंकर ने कहा है कि मैंने भी भारत में बनी कोरोना की वैक्सीन भी लगवाई है, आप भी देर ना करें। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में 2 मार्च से आम नागरिकों को भी वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूल में 40 लाख छात्रों के कम होने की मानी बात। बीते दिन विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूल में छात्रों की कमी की बात को मान लिया है, जिसके तहत शिक्षा मंत्री ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 8 मार्च से राज्य के सरकारी स्कूल में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम चलाया जाएगा, इसके तहत बच्चों को स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 40 लाख बच्चे 2014-15 की तुलना में 2018-19 में कम हुए हैं। ज्ञात हो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल के दौरान इस बात को माना है। झारखंड के पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार की हिमा ने फहराया परचम। झारखंड में आयोजित पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के गया जिले के टिकारी प्रखंड के सांसद आदर्श ग्राम केसपा की बेटी ने जीत दर्ज की है, जिसके तहत हिमा ने इस प्रतियोगिता में झारखंड स्ट्रांगेस्ट वुमेन 2021 एवं बेस्ट लिफ्टर इन डेडलिफ्ट वुमेन ऑफ झारखंड का खिताब अपने नाम दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पूरे गांव में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले वर्ष भी हिमा झारखंड की स्ट्रांगेस्ट वुमेन चुनी गई थी। एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था। हालांकि हिमा का सपना ओलंपिक में जाकर देश का मान बढ़ाना है। महिला सुरक्षा को लेकर कानून में संशोधन की उठी मांग। बिहार के सभी थानों में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए अलग से हेल्प डेस्क, शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर, महिला अपराध पर सुनवाई के लिए अलग कोर्ट और सार्वजनिक जगहों पर शिकायत करने की सुविधा की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उक्त बातें पटना के सरदार पटेल स्थित पुलिस मुख्यालय महिला सुरक्षा पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत के दौरान कही गई है। इसके साथ ही इस दौरान महिला सुरक्षा को लेकर कानून में संशोधन की बात पर भी जोर दिया गया है। बिहार पुलिस में अब होगी किन्नरों की सीधी बहाली। देश का एक तबका जिसे हम किन्नरों के नाम से जानते हैं, आज वो कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, मगर अब बिहार पुलिस में किन्नरों को शामिल किया जाना है। इतना ही नहीं, इन किन्नरों की बिहार पुलिस में सीधी बहाली होने वाली है। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद गृह विभाग ने जनवरी में ही इससे जुड़ा संकल्प पत्र जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक 500 में से एक पद किन्नर के लिए आरक्षित रहेगा। इस पद के लिए अलग से विज्ञापन भी प्रकाशित किए जाएंगे। अगर किन्नरों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कम पड़ जाती है, तो आरक्षित शेष रिक्तियों को उसी मूल विज्ञापन के सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। राजधानी पटना में अब गाड़ी पार्क करने में नहीं होगी कोई परेशानी। राजधानी पटना की सड़कों पर अक्सर जगह जगह पर लोग गाड़ी पार्क करने का काम कर देते हैं। हालांकि अब पटना आए लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब राजधानी पटना में 38 जगहों पर स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था शुरू होने वाली है। इसको लेकर जल्द ही टेंडर भी जारी किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब लोगों को पार्किंग स्पेस ढूंढने में भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब पटना वासियों को ऐप के माध्यम से नजदीकी पार्किंग स्पॉट की जानकारी मिल जाएगी। स्मार्ट पार्किंग परियोजना के पूरा होने पर लोगों को कई सुविधाएं भी मिलेंगी। पार्किंग में वाहनों का आवागमन श्रेणीबद्ध तरीके से होगा, इससे वाहनों की कतार नहीं लगेगी। धान खरीद को लेकर बिहार में राजनीति शुरू। धान खरीद को लेकर जहां एक तरफ बिहार सरकार धान की रिकॉर्ड खरीदारी की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है, जिसके तहत राजद ने सरकार के इस दावे को मानने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, राजद विधायक रामानुज ने कहा है कि सरकार सिर्फ झूठे दावे करती है, दावा में कोई दम नहीं है। सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं, इस बार भी किसान बिचौलियों को धान बेचने के लिए मजबूर है। इसके साथ ही उन्होंने पूरे देश में अर्थव्यवस्था को गति देने में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भी सरकार का घेराव किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इसमें बिहार सरकार की कोई भूमिका है ही नहीं। दरभंगा से अहमदाबाद और मुंबई के लिए इस दिन शुरू होगी विमान सेवा। दरभंगा वासियों के लिए अहम सूचना। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द ही दरभंगा से अहमदाबाद के लिए सीधी विमान सेवा की शुरुआत होने वाली है। 10 मार्च से स्पाइसजेट की तरफ से बुकिंग की सुविधा भी शुरू होने वाली है। इसके साथ ही 10 मार्च से ही कंपनी मुंबई के लिए भी एक विमान सेवा की शुरुआत करने वाली है। इन विमानों के शुरू हो जाने से दोनों जगह आने और जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। ध्यान रहे, इन रूटों के लिए यात्री स्पाइसजेट की साइट पर जाकर 10 मार्च से बुकिंग करा सकते हैं। हालांकि इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी को कंपनी की तरफ से फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है।
आने वाले दो हफ्तों तक बिहार वासियों को झुलसाएगी ऐसी गर्मी। मार्च महीने के शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। सूरज की तपिश का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सुबह 10 बजे के बाद से ही आपका धूप में खड़ा होना मुमकिन ही नहीं हो पाता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी बिहार वासियों को धूप के इस कहर से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले दो हफ्तों तक बिहार वासियों को राहत की कोई उम्मीद नहीं है। जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विभिन्न शहरों का तापमान 32 से 34 डिग्री तक के बीच रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में अभी अधिकतर शहरों का तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच 4 से 5 डिग्री के अंतर ने गर्मी को और अधिक कर दिया है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में खुलेगा आईआईटी का एक्सटेंशन सेंटर। एमआईटी सहित राज्य के सभी 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी का एक्सटेंशन सेंटर खुलने वाला है। इंजीनियरिंग एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार के लिए आईआईटी काउंसिल ने यह निर्णय लिया है। इसे सत्र 2021-22 से लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही आईआईटी और एनआईटी काउंसिल ने यह निर्णय लिया है जिसे सत्र 2021-22 से लागू करने की तैयारी हो रही है। खबरों की माने तो इसके लागू हो जाने के बाद हर आईआईटी अपने आसपास के 10-10 इंजीनियरिंग कॉलेज को मेंटोरशिप देगा। इसके अलावा आईआईटी टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव प्रोजेक्ट में पिछड़े क्षेत्रों में स्थित संस्थानों के लिए सलाहकार के रूप में भी भाग लेंगे। बिहार में 2022 तक नमामि गंगे योजना पूरी करने की तैयारी। बिहार में साल 2022 तक नमामि गंगे योजना को पूरा करने की तैयारी हो रही है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राज्य में करीब 5.5 करोड़ की लागत से 30 सीवरेज योजनाएं वर्तमान समय में चल रही है। इसके साथ ही 19.20 करोड़ की दो घाट योजनाएं चल रही है। वहीं 3.16 करोड़ की बायो रेमडिएशन की योजना को भी पूरा करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही 15 STP की योजना है। पटना शहर में चल रहे 2 सीवरेज ट्रीटमेंट का काम साल 2021 के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा बाकी योजनाओं को 2022 के अंत तक पूरा करने की तैयारी है। बकाया रखने वालों के घर की बिजली अब से हो जाएगी गुल। बिजली बिल भुगतान को लेकर लापरवाही बरतने वाले लोग अब हो जाए सावधान। बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वालों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, जिसके तहत अगर आपने अपना बकाया नहीं चुकाया है तो बिजली कंपनी अब आपके बिजली कनेक्शन को काटने वाली है। बीते दिन से ही इसको लेकर राजधानी पटना के साथ साथ राज्य के अन्य जिलों में भी आज से बिजली काटने का मोशन 30 अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत डिविजन के विद्युत कार्यपालक अभियंता से लेकर कनीय अभियंता तक लाइनमैन के साथ फील्ड में निकलेंगे और बकायेदारों की लिस्ट के मुताबिक बिजली काटेंगे। वित्तीय वर्ष में पूरा होने के पहले ही फरवरी और मार्च महीने में लक्ष्य से अधिक राजस्व वसूलने के लिए बिजली कंपनी ने यह फैसला लिया है। प्रैक्टिस के लिए अब MBBS स्टूडेंट को एक और परीक्षा करनी होगी पास। MBBS का सपना देख रहे साथ ही MBBS की पढ़ाई कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। अब MBBS के छात्रों को प्रैक्टिस के लिए एक और पड़ाव से गुजरना होगा, जिसके तहत उन्हें अब नेक्स्ट यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट की परीक्षा को पास करना होगा। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही नहीं बल्कि अब देश के साथ विदेशी डिग्री हासिल करने वाली MBBS स्टूडेंट्स को भी डिग्री स्क्रीनिंग कराने के लिए इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। ध्यान रहे, इस परीक्षा को पास करने के बाद अब मेडिकल के छात्रों को प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि अब इस परीक्षा के आधार पर आपका PG में भी एडमिशन होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है, जिसके तहत भारतीय मुगल बादशाह अकबर ने 1575 में बंगाली सेना को तुकरोई की लड़ाई में पराजित किया था। राजा राव नंदलाल मंडलोई ने 1716 में इंदौर शहर की स्थापना की थी। 1923 में टाइम्स पत्रिका का पहली बार प्रकाशन हुआ था। महात्मा गांधी जी ने 1939 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन नई दिल्ली में 1983 में आज ही के दिन संपन्न हुआ था। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का 1839 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। बजट सत्र के दौरान राजद विधायकों को दिखा अनोखा प्रदर्शन। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को राजद का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। इसी क्रम में राजद के विधायक प्याज की माला और सर पर गैस सिलेंडर लेकर विधानसभा पहुंचे। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के विधायक प्याज की माला पहने विधानसभा पहुंचे थे, जिसके बाद महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। आपको बता दें कि राजद विधायक की नाराजगी घरेलू गैस के दामों और पेट्रोल डीजल के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि को लेकर देखी गई है। इस दौरान प्याज की माला पहने भाई वीरेंद्र ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार घरेलू गैस के दाम वृद्धि कर रही है। केंद्र सरकार ये बताए कि जो गरीब परिवार दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है, आखिर वो 900 रुपए कहां से लाएगा। विजडन ने ऑल टाइम मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए दो भारतीय खिलाड़ियों का किया चयन। विजडन ने हाल ही में ऑल टाइम मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम 11 की घोषणा कर दी है, जिसके तहत विजडन की इस टीम में दो भारतीय खिलाड़ी एमएस धोनी और विराट कोहली को जगह दी गई है। टीम का कप्तान एमएस धोनी को बनाया गया है। एमएस धोनी को कप्तान इसीलिए बनाया गया है क्योंकि वो साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलवा चुके हैं। धोनी हालांकि अब टीम इंडिया से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी उपलब्धि भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद खास है। इस टीम में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, उमर गुल और सईद अजमल को चुना गया है। इसके साथ ही ओपनर वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और श्रीलंका के महिला जयवर्धने को भी चुना गया है।
इस बार की होली में पवन सिंह और सलीम सुलेमान आ सकते हैं साथ में नजर। पवन सिंह के चाहने वालों को हर साल होली का इंतजार जरूर होता है क्योंकि होली के दौरान पवन सिंह के गाने धूम मचाते हैं। इसी क्रम में इस साल भी होली आने से पहले पवन सिंह के गाने का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि इस बार पवन सिंह का गाना और ज्यादा खास होने वाला है, जिसके तहत इस बार होली के गीत में पवन सिंह और बॉलीवुड के जाने वाले संगीतकार सलीम सुलेमान एक साथ नजर आने वाले हैं, जिसका ऐलान खुद पवन सिंह ने ही किया है। जिसके तहत उन्होंने हाल ही में अपना एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि इस होली पर जल्द ही वो सलीम सुलेमान सिंह के साथ एक शानदार होली सॉन्ग रिलीज करने वाले हैं, जिसका टाइटल बबुनी तेरे रंग में होने वाला है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्वेता रॉय, प्रदीप, मृत्युंजय कुमार, मुकेश कुमार, शशि भूषण, अखिलेश यादव, यादव राहुल, रोशन कुमार, ललित कुमार, रोहित कुमार, रफीक आलम, लव कुमार, विकास शर्मा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार से पलायन को रोकने के लिए बिहार सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।